एक्ट्रेस नोरा फतेही किसको मानती हैं अपना मॉडल और क्या कहा उन्होंने इस मॉडल के बारे में? भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में संजय दत्त का क्लाइमेक्स सीन क्यों उनके नाम रख दिया गया है? स्वागत है आपका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। आज मैं बात करने वाली हूँ भुज द प्राइड ऑफ इंडिया की। इसका टॉपिक तो आपको पता ही होगा ये किस विषय में पल रही है, लेकिन अगर आपको नहीं मालूम तो आपको बता दूं कि इंडिया पाकिस्तान के वॉर में भुज जो एक एयरपोर्ट था जिसका रनवे टूट गया था इस लड़ाई में, और उस रनवे को किस तरह एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने बनाया और किस तरह से उसमें लड़ाई लड़ी, और आपको बता दूं कि इसी युद्ध को फिल्म में दिखाया जाएगा। इस वॉर में इंडिया की जीत हुई थी, और आपको बता दूं कि इस वॉर के हीरो रहे थे विजय कार्णिक। अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको बता दूं कि विजय कार्णिक एयरफोर्स के चीफ थे। 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था तो उन्होंने अपने ऑफिसर्स के साथ मिलकर भुज एयरपोर्ट को बनाया था, और इस एयरपोर्ट में 30 गुजराती विमेन ने भी मदद की थी, और इसी वजह से ये लड़ाई इंडिया ने लड़ ली थी। इस तरह की कहानी ऐसे ही ना चली जाए इसलिए इस फिल्म को बनाया जा रहा है। आपको बता दूं कि विजय कार्णिक का किरदार अजय देवगन निभा रहे हैं। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में सिर्फ अजय देवगन ही नहीं, इस फिल्म में नोरा फतेही, अजय देवगन, सोनाक्षी सिन्हा और परिणीति चोपड़ा के साथ साथ संजय दत्त भी नजर आएंगे। ये मैंने आपको टॉपिक तो बता दिया, लेकिन आपको अंदर की बात बताऊं, इस फिल्म में नोरा फतेही और संजय दत्त का किरदार भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस फिल्म में नोरा फतेही ने अभी रिसेंट इंटरव्यू में अपने मॉडल का नाम बताया कि उनकी लाइफ में कौन रोल मॉडल है। हर किसी की जिंदगी में एक रोल मॉडल होता है जिसको वो देख कर कहता है कि यार मैं तो सिर्फ इसकी तरह बनूंगा। इसी तरह नोरा फतेही ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनका रोल मॉडल विद्या बालन है, और 2017 में जब विद्या बालन की फिल्म आई थी तो नोरा फतेही ने उनसे मुलाकात की थी प्रमोशन के दौरान, और उन्होंने कहा कि जब मैंने उनको देखा तो मैंने उनसे सिर्फ यही कहा कि आप मेरी रोल मॉडल है, आप मेरी रोल मॉडल है, आप मेरी रोल मॉडल है। ये तो डर्टी पिक्चर का डायलॉग हो गया, सिर्फ इंटरटेनमेंट, सिर्फ इंटरटेनमेंट और सिर्फ इंटरटेनमेंट। खैर, आपको बता दूं कि नोरा फतेही ने कहा कि मुझे उनसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई, और यही नहीं, नोरा फतेही ने ये भी कहा कि मेरा जो करियर है वो बहुत अप डाउन्स के साथ रहा है। मैं कैनेडा से जब यहाँ पर आई थी मैं किसी को जानती नहीं थी, उन्होंने बहुत सारे रिजेक्शन झेले हैं, और अब वो जहाँ पर हैं वो बहुत खुश हैं। तो यार ये तो अच्छी बात है कि नोरा फतेही को डांसर्स के साथ साथ अब एक्ट्रेस के रूप में भी देखा जाएगा। अब चलते हैं इस फिल्म के क्लाइमेक्स सीन की तरफ जिसमें संजय दत्त मुख्य किरदार में दिखाई देंगे। आपको बता दूं कि संजय दत्त की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी अमेरिका में इलाज कराने के बाद, वो द प्राइड ऑफ इंडिया से जुड़ गए थे और इस फिल्म की शूटिंग उन्होंने कंप्लीट कर ली है। इसके अलावा वो KGF चैप्टर 2 में एक विलन के किरदार में दिखाई देंगे, और उस फिल्म के वो मेन खलनायक होने वाले हैं, यानी कि भुज द प्राइड ऑफ इंडिया और KGF चैप्टर 2, इन दोनों ही फिल्मों में उनका मुख्य किरदार होने वाला है। संजय दत्त की नेक्स्ट पारी कितनी अच्छी होने वाली है ये तो वक्त बताएगा। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही, ये थे कुछ डिटेल्स फिल्म के एक्टर्स के बारे में। बाकी ऐसी फिल्मों की जानकारी के लिए, फिल्मी रिव्यू रेटिंग जानने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज को, जहां पर हम आपको हर फिल्मी खबर देते हैं।